हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके। तो इधर आज मैं करने जा रही हूँ रूम डस्टिंग, यानी कि मिरर वगैरह, और ये अपने जो डोर हैं इनको सबको साफ़ कर रही हूँ, और ये बाहर के जो जंगले वगैरह हैं इनको भी साफ़ कर रही हूँ, ये विंडो वगैरह सब कुछ साफ़ करूँगी आज मैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, काफ़ी दिन से मैं यही सोच रही थी कि चलो आज मैं, मतलब कि सोचा मैंने कर लूँ, क्योंकि इतनी ठंड भी पड़ रही थी इसकी वजह से हिम्मत ही नहीं हो रही थी और काम करने के लिए। डस्टिंग का काम काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो चलिए आज मतलब कि इसी को साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ना, मैं अपना रूम का काम तो कर ही रही हूँ, और रही बात किचन का, तो किचन का मैं अभी करके आई हूँ, फ्री होकर आई हूँ किचन के काम से। तो उसी के मतलब बच्चे नहीं रहते हैं घर पे तभी काम कर पाते हैं, जैसे बच्चे हुए तो नहीं कर पाते हैं। कितना भी सोच लीजिएगा कि आज मतलब करेंगे बच्चा पढ़ना, ऐसा होता है कभी कभी, उन बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो मतलब कि जैसे संडे हुआ ना, ये छुट्टी वाला दिन हुआ, तो इस दिन अगर ये बच्चे वगैरह घर पे रहे तो ये सब सारा दिन मतलब कि काम ही काम में निकल जाता है। तो फिर मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चे मतलब अपनी मनमानी करते हैं, मोबाइल देखते हैं, टेलीविज़न चलाते हैं, या फिर गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलिए अपना ये पहले काम फ्री कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी आज है शनिवार, मैं सोच ही रही थी कि, बट ये वीडियो आपके पास पता नहीं कब पहुँचेगा, बट जिस दिन मैं सफाई कर रही हूँ उस दिन का, ये दिन शनिवार का है। तो मैंने आपसे पहले ही कहती हूँ मेरे वीडियो कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कभी कुछ त्यौहार होते हैं तब आगे पीछे हो जाते हैं, कभी कैसे कभी किस तरीके से। तो ये विंडो वगैरह मैं सब कुछ साफ़ करूँगी, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत दिनों से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। इस पर आपको पता है जब सफाई नहीं होती है तो मतलब कि धूल मिट्टी तक जमा हो जाती है इधर, ये मतलब कि जो रेलिंग सरिये फंसे हुए हैं इसके अंदर, जो मैं कि मतलब कि आपको पता है मैं रूम में ना कभी कभार कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग का काम मतलब इंडक्शन रखा हुआ है, तो मैं रूम के अंदर ना उस पावर वाला बोर्ड है उसके अंदर मैं इसको इंडक्शन को लगाकर मैं ये काम कर लेती हूँ किचन का, यानी कि कुकिंग वाला। तो सब्जी वगैरह बनाते हैं जिस तरीके से, ये तेल उठता है ना, ये बाहर की जो सरिये हैं उस पर बहुत ज़्यादा जम गया था, तो मेरे को थोड़ा सा रगड़ रगड़ की मुझे उसे साफ़ करना पड़ा, क्योंकि छूट ही नहीं रहा था। मतलब अंदर से तो मैंने कर लिया, बट अब बाहर की साइड में जाऊँगी तब मैं करूँगी जाके उधर की साइड में। तो पहले मैं रूम का कर देती हूँ, वो इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी लाइट बनी हुई है, तो आपको मतलब कि क्लियर है ना दिखेगा, नहीं तो मतलब लाइट नहीं होती है तो हो नहीं पाता है बिल्कुल साफ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले ये रूम का काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर का मतलब कि पकड़ूँगी काम। तो ये गेट है, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ सुबह सुबह, ठंड ही इतनी होती है। पहले तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जब सुबह मैं मतलब कि झाड़ू पोंछा करती हूं तो मेरे को ना गेट बंद करना पड़ता है, पहले तो मैं गेट बंद करके ही झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि सुबह का मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और बच्चे ना आपको पता है मैं सारे मतलब कि अपने बच्चों को उठा के मैं ज़मीन से उठा के फिर मैं बेड पर ना लेटाती हूँ, ज़मीन पर मुझे जगह करनी पड़ती है, सारे गद्दे वगैरह हटाने पड़ते हैं, क्योंकि ये ना हम और हमारे बच्चे सब ना ज़मीन पर ही लेटते हैं, बेड पे तो ओनली आपको पता ही है कितने सारे कपड़े हैं, बेड पे लेटने के लिए जगह नहीं बचती है। फिर मैं क्या करती हूँ, उन कपड़ों को किसी भी तरीके से एक तरफ मतलब कि समेट के उन बच्चों को अपने बेड पर लेटा देती हूँ, और ये गद्दे गद्दे उठाकर मैं झाड़ू वाड़ू साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बट ना मेरे को रूम का गेट ना बंद रखना पड़ता है क्योंकि ना ठंडी हवा आती है और रूम भी ठंडा हो जाता है इसकी वजह से। आपको पता है मैं छत पे रहती हूँ, और मतलब कि ज़मीन वाला जो रूम है वो मुझे नहीं मिला है, क्योंकि मेरे हिस्से में नहीं आया है वो, मुझे बस ये एक ही छत वाला रूम मिला है। तो इधर मैं अपना ये बिल्कुल ना जो गेट पर जितने भी गंदे धब्बे वगैरह हो रखे थे इन सभी को साफ़ कर देती हूँ। ये भी फ्रेंड्स करना ज़रूरी होता है, अगर नहीं करो तो मतलब कि कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं या फिर ना हमको खुद ही गेस्ट ना आए तो फिर वैसे भी ना देखने में ये गंदा ही लगता है। तो इसलिए
मैं उसको टाइम टाइम पर साफ करती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ। तो ये बाहर की जो सरिये हैं ये मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। वो तो शुक्र मनाइए कि अभी सर्दियाँ हैं, बट ना मेरे को ये लग रहा है कि जब है ना ये गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर मतलब वो कैसे खाना बनाया करूँगी रूम के अंदर, इतना हीट हो जाया करेगा। जैसे इंडक्शन पे कुछ कुकिंग वगैरह कर लो, ज़्यादा नहीं वैसे तो मैं गैस पर ही बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ओनली लाइट चलती है तो पूरी रात चलती है, और बस दिन में तो ना मात्र दिखावे के लिए ही आती है। मतलब आप कूलर पंखा कुछ भी ले लो, अगर आ गई तो आ गई, नहीं तो गर्मियों में आप मतलब कि गर्मी से परेशान ही रहोगे, ये हालत हो जाती है हमारे यहाँ की। और अब ये चारपाई मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो ऊपर वाले जंगले हैं उस तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो इसलिए मेरे को चारपाई का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस खाट को बिछा लेती हूँ। खाट बिछाने के बाद मतलब कि इसको खाट भी बोलते हैं, चारपाई बोलते हैं, माचा भी बोलते हैं, आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। अभी गेट मैंने ना बंद कर दिया है क्योंकि अभी धूल मिट्टी ना रूम के अंदर ना जाए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा साफ करके आई हूँ। तो ये पहले ना आपको दिख रहा होगा मतलब कितना ज़्यादा गंदा है ये ऊपर से, ये वाली खिड़की की ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, इस पर बहुत ज़्यादा डस्टिंग वगैरह हो रखी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है इस पर, क्योंकि ये दीपावली के टाइम में मैंने साफ किया था। उसके बाद से मतलब कि सर्दियाँ निकल गई, भाई मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि मैं ना मतलब इसको साफ करती, बस ओनली इसी तरीके से झाड़ू वगैरह लगा देती थी, बट मैंने अभी तक कपड़े से इसको साफ नहीं किया। ये पंखे वगैरह जो भी लटक रहे हैं बाहर के सारे सारे गंदे हैं, इतनी मतलब कि डस्टिंग है, मुझे ये लग रहा है मेरी आंखों में गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ना घर के ना काम करने वाली मैं ही अकेली सदस्य हूँ और कोई काम करने वाला भी नहीं है, तो मतलब पूरा घर मेरे ऊपर ही जिम्मे पे है। तो इसलिए मैंने भी ना इसको ना अपनी आँखों को ढक लिया है ताकि कवर कर लिया है ताकि इसके अंदर मेरे आँखों के अंदर मेरे धूल मिट्टी ना जाए। और मैं एक बार ना पंखे के ऊपर से धूल मिट्टी उठा देती हूँ, आप देख रहे हैं कितना गंदा हो रखा है पंखा, बट ना ये मैं ना थोड़ा सा भी इसी तरीके से कर देती हूँ, बट ना मैं सोच रही हूँ कुछ दिन बाद मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ना अभी मेरे को इसको मेज की ज़रूरत पड़ेगी या फिर सद्दल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तब मेरा हाथ उधर पहुंच पाएगा। अगर मैं मेज निकाल कर लेके आती हूँ तभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बट ना मेरे को इधर थोड़ा सा काम अभी करना है, जल्दी है मेरे को, क्योंकि मुझे छत पे भी जाना है, कपड़े वपड़े पलटने जाना है, क्योंकि कपड़े जब तक ना पलटूंगे नहीं तो एक तरफ के सूख जाते हैं और एक दूसरी साइड के मतलब गीले रह जाते हैं, तो उनको पलटना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं अब बाद में ही मतलब थोड़ा जल्दी हो जाए और काम रह गया वो बाद में कर लूँगी, और यहाँ से उठ के मैं जल्दी अपने कपड़े वपड़े पलटाऊँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ। तो एक बार ना ये मैं इसको साफ कर देती हूँ, मिट्टी वगैरह लगी है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ना ये बोलते हैं कि आप ना मतलब कि आप क्लोथ वॉशिंग का ना वीडियो लेकर आओ, ब्लॉग लेकर आओ, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी, आपकी सबकी ना डिमांड पूरी करूँगी। बट आपको पता है जहाँ पे अभी मैं इधर छत पे तो कपड़े धुल सकती हूँ, बट ना इधर नीचे जब कपड़े धुलती हूँ तो क्योंकि छत वाली टंकी है उसकी टोंटी है जो ख़राब हो रखी है, नलकी उसकी ख़राब है और मेरे को उस पर नई नलकी डलवानी है, तो मैं छत पे मतलब कपड़े वगैरह का सारा काम कर लूँ, इधर नहीं हो पाता है। तो एक बार मैं जैसे तैसे पहुंचने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट ना पहुँचा है ना थोड़ा सा ना ये इस तरीके से हो रहा है, मतलब कि उस पंखे को मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, पकड़ लूँ ना तो मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ, इसके ऊपर से सारी धूल मिट्टी हट जाए, बट ना ये पकड़ में नहीं आ पा रही है मेरे, अगर मेरे को मेज की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, बट मैं इधर काम करने में इसलिए लगी पड़ी हूँ, जल्दी जल्दी कौन मेज़ निकाल के लाए, इसलिए थोड़ा सा मुझे आलस भी आ रहा है। और कर लेती हूँ
ये चोटी जो खुल के आगे पीछे आ रही है, इसको मैं एक बार यूं करके बांध लेती हूँ ताकि मेरे को परेशानी ना हो। ये थोड़ा सा इधर ढीला हो गया है, इसको मैं बांध दूँगी। चलो रहने देते हैं, अभी नहीं बांधती हूँ इसको। अब खाट को मैं एक बार खड़ा कर देती हूँ। उससे पहले ये ज़मीन पे जितनी भी डस्टिंग है खाट के पीछे थी, उसको मैं निकाल लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही खड़ी कर दूँ, फिर मैंने कहा कि चलो पहले निकाल ही लेती हूँ, उसके बाद खड़ी करूँगी मैं। तो झाड़ू निकाल रही हूँ इधर मैं। ये देख लीजिए कितनी धूल मिट्टी है, रोज़ भी निकलती है तब भी अगर है ना, अगर एक टाइम के बाद, अगर सुबह के टाइम अगर आपने झाड़ू निकाल लिए, शाम के टाइम नहीं निकाली, अगर लोड मतलब कि 24 घंटे में निकालेंगे इधर झाड़ू, तो इधर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है फ्रेंड्स। तो ये कपड़े हैं, ये जर्किन वगैरह है, तो ना इसको मैं इधर टांग देती हूँ। मेरे हस्बैंड पंडित है ना, तो मतलब ना ये उनके वॉशरूम वाले फ्रेश जो होते हैं वो वाले कपड़े अलग रहते हैं सर्दियों में, फिर घर पे पहनने के अलग रहते हैं, बाज़ार जाने के अलग रहते हैं, पूजा पाठ के अलग रहते हैं। ये देख लीजिए मेरे बेटे की बॉल है जो उस खाट के पीछे से निकली थी, इसको मैं रख देती हूँ। नहीं तो पूरे घर में आपको पता है पहले भी तबाही आ रखी थी बॉल के पीछे, उसको बॉल नहीं मिली तो उसने घर की हालत क्या कर दी थी। तो मुझे फिर अपने घर की हालत ऐसी तैसी नहीं करवानी अपने घर की, तो इसलिए मैं एक बार ना अच्छी तरीके से इसकी वही बॉल ना जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि खाट के पीछे रख दी, नहीं कहीं लुढ़केगी, नहीं कहीं जाएगी, और उसको उसी जगह पे मिल जाएगी ना। तो इधर ये थोड़ी सी ना इस पे धूल मिट्टी जमा हो गई थी जूतों पे, तो मैं इनको सही तरीके से लगा देती हूँ। बच्चे के हैं, हस्बैंड के हैं, तो इनको सही तरीके से लगा देती हूँ। बाकी की सारी इधर उधर चप्पलें खिंड रखी हैं, तो किसी को नहीं रोक सकते हैं, हम सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो हस्बैंड, दोनों बेटे, सबके मतलब जूते हैं। तो इधर से ही चारपाई के पीछे से, खाट के पीछे से इतना सामान निकला है, इसको मैं एक बार सही तरीके से लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ना सामान सारा ना जगह पे रखा हो तो अच्छा लगता है, अगर इधर उधर बिखरा हुआ हो ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना जब इधर उधर सामान बिखरा हो तो काम करने में भी मन नहीं लगता, काम भी मतलब कि कर लो बट ना अब निगाह जाती है तो ये लगता है कि ये मतलब कि इधर पड़ा हुआ उधर पड़ा हुआ, दिमाग बार बार उसी पे घूमता है। तो इसलिए पहले मैं साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ, उसके बाद ना फिर ना मतलब अपने और कोई काम करती हूँ, पहले सही सामान अपनी जगह पर पहुँचा देती हूँ। इधर आ गई हूँ छत पर, कपड़े में पलट के आ गई थी तो बाहर, तो मतलब कि झाड़ू ये साफ़ सफाई हो गई है, तो मैंने कहा कि शाम को मतलब कि झाड़ू फिर से निकालनी होगी रूम में, तो इससे अच्छा मैं अभी निकाल के रख दूँ, अभी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी झाड़ू वाड़ू निकालने की, क्योंकि अभी मैंने रूम को बिल्कुल अपना क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है। तो फ्रेंड्स ना वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं उन सभी फ्रेंड्स से बोलना चाहती हूँ जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिग बेल आइकन के साथ, और आप मुझे सपोर्ट करिए, और आप ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब ये वापस से मैं ये रूम के अंदर डाल देती हूँ। अब इसके बाद मुझे जाना होगा छत पर, जो छत पर भी देखते हैं जो कान्हा जी के कपड़े होते हैं ना, वो गिलहरी ले जाती हैं फ्रेंड्स। ऐसा होता है जो ऊनी कपड़े हैं ना, तो उसके मतलब कि उसके कारण है ना मैं तार पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि तार पे ना इतने छोटे छोटे से कपड़े नहीं बन पाते, तो जो दिवाली होती है मैं उसके ऊपर रख देती हूँ। बट ना हुआ क्या था, जो गिलहरी आई वो
कान्हा जी के कपड़े अपने मुंह में दबा के ले गई, अपने घोंसले में रख लिए हो, उसने कुछ भी किया हो, अपने बच्चों को बिठाया हो, कुछ भी किया हो, तो कान्हा जी के कपड़े ले जाती है वो, हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं काम कर रही थी बट मुझे अचानक से ध्यान आ गया कि मैंने दीवार पे कपड़े आज रख दिए हैं, और आज फिर नहीं कहीं उठा के ले जाए क्योंकि पहले भी लेकर जा चुकी है वो, तो इसलिए फिर मेरे को वो भी ध्यान आ गया। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ये झाड़ू वाड़ू तो हो गया है, तो छत पर जाऊँगी और अपने जो कान्हा जी के कपड़े हैं उनको बचाऊँगी। पहले मैं ये थोड़ा सा धूल मिट्टी वगैरह ये सब कुछ एक बार हटा देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा काम हो चुका है। और इसी के साथ फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आ रहा होगा आपको मेरा ब्लॉग वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर से ये देख लीजिए बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है, ये देख लीजिए आप। तो फिर से मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए।